नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट ओमेंस वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेंस बीबीएल 2024 मैच नंबर 6 जो 30 अक्टूबर वेडनेसडे इंडियन टाइम के मुताबिक 1:40 PM पर एलन बॉर्डरफील्ड ब्रिस्बेन पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। पिच रिपोर्ट, दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो ब्रिस्बेन पे मैच होने वाला है। यहाँ का पिच भी बैलेंस पिच है जहाँ पे बैट्समैन एंड बॉलर दोनों के लिए समान मदद होता है। पेसर को शुरुआती ओवर में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है एंड गेम जितना होता जाएगा बैट्समैन के लिए पिच मददगार होते हुए जाएगा। एवरेज फास्ट रन स्कोर अराउंड 140 रन के आसपास है, तो ऐसे ही स्कोर हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकता है और जो भी टीम टॉस जीतेगा वो यहाँ पे आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो ब्रिस्बेन हीट ओमेंस और मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेंस दोनों ने T20 पे टोटल 18 मैच पे आमना सामना हुआ इससे पहले, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट 10 और मेलबोर्न रेनेगेड्स ने 8 मैच पे जीत हासिल किया है। तो रिकॉर्ड के मामले में हम लोग बराबर ही कह सकता है। ब्रिस्बेन हीट थोड़ा सा स्लाइडली आगे है, फिर भी एक अच्छा और फाइटेबल मैच की उम्मीद कर सकता है क्योंकि टूर्नामेंट का अभी शुरुआती होने जा रहा है। प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ब्रिस्बेन हीट की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग में विकेट कीपर बैट्समैन जॉर्जिया रेड वाइन, उसके साथ ग्रेस हैरिस, लॉरेन विनफील्ड हिल, कप्तान जेस जेनसन, चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, नादिन डी क्लार्क, सानाया जिंगर, शिखा पांडे, ग्रेस पारनॉस और निकोला हैंडनॉक को हम लोग ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो निकोला हैंडनॉक, उसके साथ ग्रेस पारनॉस, शिखा पांडे, सानाया जिंगर, नादिन डी क्लार्क, चार्ली नॉट और कप्तान खुद जेस जेनसन भी आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। तो बॉलिंग पे बहुत सारे ऑप्शन है, शुरुआती और डेथ ओवर का ज़्यादा कोई फिक्स नहीं रहता है, फिर भी लास्ट मैच पे शिखा पांडे और निकोला हैंडनॉक को हम लोग ब्रिस्बेन हीट की तरफ से शुरुआती ओवर में बॉलिंग करते हुए देखे थे। उसके बाद मेलबोर्न रेनेगेड्स की बात करें तो ओपनिंग में एमआर डिब्रू, कोटिनी वेब, एलिस कैप्सी, जेन द जॉर्टिन, जॉर्जिया वेरहम, कप्तान सोफी मोलिनक्स, नाओमी सैलेनबर्ग, विकेट कीपर बैट्समैन निकोल फल्टम, सारा क्वेट, लिंसे स्मिथ और मिली विलियम्स को हम लोग मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो मिली विलियम्स, लिंसे स्मिथ, सारा क्वेट, कप्तान सोफी मोलिनक्स, जॉर्जिया वेरहम, जितेंद्र डॉटिन और एलिस कैप्सी को हम लोग मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए देख सकता है। ओमेंस मैच है तो शुरुआती और डेथ ओवर का ज़्यादा कोई फिक्स नहीं रहता है, फिर भी आपको सोफी मोलिनक्स, लिंसे स्मिथ, एलिस कैप्सी और जॉर्जिया वेरहम आपको अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए देखेंगे मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से। ब्रिस्बेन हीट ओमेंस वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेंस ड्रीम इलेवन टीम। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए क्रिक 11 हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्मॉल लीग का ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से रेडमैन को हम लोगों ने पिक किया, रेडमैन आपको विकेट कीपिंग भी करेगा और ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, तो आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे विनफील्ड को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी वन डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे, लेकिन रेडमैन आपको विकेट कीपिंग के साथ साथ ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे, तो इसीलिए आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है, तो हम लोग उनके साथ जा रहा है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं, बैटिंग सेक्शन से हैरिस, कैप्सी, डॉटिन को पिक किया है। अब चाहो तो यहाँ पे वेब या लॉरा हैरिस को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ग्रेस हैरिस बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट दिला सकता है, एलिस कैप्सी और डॉटिन भी सेम है, ये तीनों भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों सेक्शन से पॉइंट दिला सकता है, तो इसीलिए आपके स्मॉल लीग के टीम पे मास्टर पिक बन जाता है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से वेरहम, जॉनसन और चार्ली नॉट को हम लोगों ने पिक किया है, तीनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जॉनसन और वेनम आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दिलाएगा, चार्ली नॉट बॉलिंग से ही ठीक ठाक है, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है कि मौका मिलते कर देगा आपके लिए, तो आपके स्मॉल लीग पे एक ठीक ठाक ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप नैंडी क्लार्क को भी ट्राई कर सकते हो, नैंडी क्लार्क भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए,
थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव रह जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने छोड़ा है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन से मौलिक, शिखा पांडे, स्मिथ और हैंड नॉक को हम लोगों ने पिक किया। यहाँ पे मौलिक मास्टर पिक, बैटिंग बॉलिंग दोनों तो आप सबको पॉइंट दिलाएगा। शिखा पांडे, स्मिथ और नैकॉक भी बॉलिंग से अच्छा खासा है, तो इसीलिए इन दिनों को पिक किया है। अब चाहो तो यहाँ पे कोटी या पर्सन को भी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। बाकी जो भी खेलता है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जॉर्जिया वेरहम को कैप्टन और जॉनसन को हम लोगों ने वाइस कैप्टन में ट्राई किया। यहाँ पे और भी अच्छा अच्छा ऑप्शन है, अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए रहेगा हमारा अभी तक का टीम। फाइनल अपडेट जो भी रहेगा वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लगता है तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइए। तो वीडियो पे इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद।